हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई टिप्स लेके आई हूँ। आज मैं हम बनाएंगे घर पे ही एलोवेरा सोप, और घर पे ही अवेलेबल हम एलोवेरा के पत्ते से बनाएंगे। अगर आपके पास पत्ते नहीं है तो आप जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हम एलोवेरा के बेनिफिट्स जान लेते हैं। स्किन और चेहरे के लिए कई तरीके से फायदेमंद होता है एलोवेरा। स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ऑयली स्किन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। एंटी एजिंग क्रीम की तरह ये काम करता है। और एलोवेरा में बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। कील मुहासे अगर फ्रेंड्स आपको हो रहे हैं तो उसमें भी एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर अन्य स्किन प्रॉब्लम भी अगर है तो उसमें भी ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। और अगर आपको स्किन टैन हो गया है तो उसमें भी ये बहुत ही एलोवेरा का यूज़ और एलोवेरा का जेल का यूज़ बहुत ही यूजफुल होता है। तो आज हम बनाएंगे एलोवेरा का सोप घर पर ही। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी एलोवेरा सोप बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें चाहिए पियर साबुन, विटामिन ई का टेबलेट। आप पियर साबुन कोई भी यूज कर सकते हैं और बादाम का तेल। तो मैं सबसे पहले एलोवेरा के पत्तों का जेल निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने दो पत्ते का जेल निकाला है। आप इसमें एक ही पत्ता देख रहे होंगे लेकिन मैंने दो पत्तों का जेल निकाल के यूज किया है। आप देख सकते हैं कि पत्तों से हमें किस तरीके से जेल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पत्ते नहीं अवेलेबल हैं तो मार्केट में बहुत आसानी से एलोवेरा जेल मिल जाता है, तो आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। लेकिन पत्ते का अगर जेल का यूज कर बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने जेल निकाल लिया है। मैंने दो पत्तों का जेल निकाल के रख लिया है। अब हम इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक लिक्विड की तरह हो गया है। तो अब हम पियर्स को पहले कद्दूकस करेंगे। ये मेरा 75 ग्राम का पियर्स सोप है। आप जो भी चाहते हैं पियर्स साबुन का कोई भी ही यूज कर सकते हैं। तो उसे हम पहले कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। कद्दूकस करने से क्या होगा कि इसे मेंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम एक बर्तन में सारे कद्दूकस किए हुए पियर्स साबुन को ले लेंगे। अब हमने ले लिया है तो अब हम इसमें जो हमने एलोवेरा का जेल को पीस के बनाया था वो डाल देंगे। अब हम इसमें दो टैबलेट विटामिन ई का डाल देंगे। विटामिन ई भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका टैबलेट का ऊपर का पोर्शन कट कर देंगे और इसके अंदर का पूरा लिक्विड हम यूज करेंगे। डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बादाम का तेल का एक चम्मच। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप इसकी जगह हनी यूज कर सकते हैं या फिर आप गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक चम्मच बादाम का तेल डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मैंने यहाँ पहले से पानी उबलने डाल दिया था। अब हम इसमें डबल बॉयलर का यूज करेंगे और इसे ऊपर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। हम इसे सोप को इसके ऊपर गर्म पानी के ऊपर रख के और हम इसे अच्छे से मेंट होने देंगे। इसी तरह चलाते रहे फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से मेंट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब आपका मेंट हो गया है तो अब हम इसे जमाएंगे। तो जमाने के लिए आप कोई भी मोल्ड यूज कर सकते हैं। मैं सिलिकॉन मोल्ड यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप किसी डब्बे का ढक्कन या फिर आप कोई भी मोल्ड यूज करें तो पहले उसके ऑयल से ग्रीसिंग कर दें ताकि उसे निकालना आसान हो जाए। तो आप वैसलीन का यूज कर सकते हैं उसकी ग्रीसिंग करने के लिए। मैं सिलिकॉन मोल्ड में बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से सिलिकॉन मोल्ड से बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसकी ग्रीसिंग नहीं की है। लेकिन आप अगर किसी और में यूज बना रहे हैं तो आप उसकी ऑयल से पहले ग्रीसिंग कर ले ताकि सोप आराम से बाहर निकल जाए। तो अब हो गया है तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे में ये बहुत अच्छे से जम जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारा 2 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से जम गया है। आप देखिए सिलिकॉन मोल्ड से ये बहुत आसानी से बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स, आपका उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आया होगा। अगर पसंद है चैनल पे, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई ट्रिक्स लेके आई हूँ। आज हम नीम का सोप बनाएंगे घर पे। नीम के पत्ते कितने यूजफुल है ये हम सभी जानते हैं। किचन के कोई प्रॉब्लम हो या फिर हमारे स्किन से रिलेटेड, ये नीम के पत्ते हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। अगर आपके किसी तरीके से इन्फेक्शन हो गया है तो आपका नीम का पत्ता गर्म पानी में डाल के नहाने से भी वो क्लीन हो जाता है। अगर आपका पॉल्यूशन की वजह से आपके चेहरे पे कील मुहासे आ गए हैं या फिर पिंपल्स के दाग रह गए हैं तो नीम का पत्ता उसमें बहुत ही यूजफुल होता है।
तो चलिए आज हम नीम का सोप घर पे बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लगभग 50 से 60 पीस नीम की पत्तियां ले लिया, जिसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसे डाल देंगे मिक्सर के जार में और 2 चम्मच पानी का यूज करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, नीम का पत्ता अच्छे से पिसा जाता है तो आपका बहुत अच्छा है, अगर नहीं पिसाता है तो आप मेरी तरह इसे स्ट्रेनर में डाल के इसे छान लें, क्योंकि कुछ कुछ पत्तियां आप देख सकते हैं कि नहीं पिसाता है, तो हम इसे छान के यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नीम का पानी अब हमें मिल गया है। तो अब आगे शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए पियर्स साबुन। फ्रेंड्स, हम अगर आपके पास सोप बेस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पियर्स अगर यूज भी करें तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो भी साबुन आप यूज करें वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। ये मेरा 75 ग्राम का पियर्स का साबुन था, इसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कद्दूकस हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें यूज करेंगे विटामिन ई का टैबलेट भी। ये कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाता है। ये हम इसे वैसे भी हम घर पे इसे स्किन में लगा के ब्यूटी के लिए लगाते भी हैं, तो आप इसे मार्केट से ला सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे डबल बॉयलर की मदद से बनाएंगे। तो मैंने डबल बॉयलर पे पानी गर्म होने के लिए डाल दिया है। अब हम एक बर्तन में सारे पियर्स के सोप को ले लेंगे। अब हम इसे गर्म पानी में एक पकड़ के, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप उस तरीके से कर सकते हैं। और जैसे ही आप गर्म पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे आपका सोप पूरी तरीके से मेंट होना शुरू हो जाएगा। आप इसी तरीके से चलाते रहें, ये आप देखेंगे कि पूरी तरीके से मेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नीम का पानी जो हमने छान के यूज किया है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। अब इसी तरह चलाते रहें और डबल बॉयलर में ही रखें। 2 से 3 मिनट आपको लगातार इसमें चलाना है। फ्रेंड्स, मेरा अब 2 से 3 मिनट हो गया और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है और उसका कलर भी पूरा ग्रीन हो गया है नीम के पत्ते के रस की वजह से। तो अब हम इसमें विटामिन ई का 2 टैबलेट यूज करेंगे। वैसे तो नीम के पत्ते में विटामिन ई पहले से ही होता है, लेकिन इसका फायदा भरपूर हमें मिल सके इसके लिए हम विटामिन ई का 2 कैप्सूल भी यूज करेंगे। उसे कट करके उसके अंदर का जो ऑयल होता है वो हम इस नीम के सोप वाले मिक्सचर में मिला देंगे। तो फ्रेंड, अच्छे से अब फिर हम मिला देंगे। अब फ्रेंड्स, अब आप इसे जिस मोल्ड में या फिर जहां जिसमें जमाना चाहते हैं आप उसे जमा लें। मोल्ड में डालने से क्या होगा कि ये थोड़ा इसका शेप थोड़ा अच्छा डिफरेंट आएगा, या फिर आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो आप इसे कटोरी में भी, छोटे कटोरी में भी जमा सकते हैं। तो अब हम इसे डाल के इसे हम छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से जम जाए। फ्रेंड्स, आपको ये कुछ नहीं करना, बस इसे आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये जम जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2 से 3 घंटे के बाद ये अच्छे से जम गया है। तो अब हम इसे निकालने के लिए थोड़े चाकू से मैं थोड़ा बगल से थोड़ा निकाल रही हूँ, ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए। आप देख सकते हैं कि आप इसमें कितना सुंदर डिजाइन आया है, ये मोल्ड की वजह से आया है। तो अब ये आपका नीम का सोप अब तैयार है। फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आसान लगा होगा। ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर टैप करें, ताकि इसी तरीके से नई और इजी ट्रिक्स लाते रहें। धन्यवाद।